हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये है आपके सामने इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू 2 t4 प्लस 1 ओवर t6 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में हम क्या कर लेते हैं, t4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस टी स्क्वायर कर लेते हैं, और नीचे हमारे पास t6 प्लस 1 और यहाँ से dt। अब इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो 1 से 2 t4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे t6 प्लस 1 dt, और दूसरा 1 से 2 टी स्क्वायर t6 प्लस 1 dt। अब i इक्वल टू 1 से 2, ऊपर है t4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जो t6 प्लस 1 है, t6 प्लस 1, पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, t स्क्वायर की पावर 3 माइनस प्लस 1 की पावर 3। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होगा a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये करके देखना, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। तो t6 प्लस 1 की जगह हम लिख लेते हैं t स्क्वायर प्लस 1 t4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां पर dt। ये पूरा कट गया इससे। ये सेकेंड वाला जो इंटीग्रेशन है, ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे आप इसको ऐसे लिख लें, टी नहीं टी क्यूब की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर dt। ठीक हो गया यहां तक। अब पहला वाला तो जो बचा मैं लिख लेता हूं, 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 dt, और दूसरा वाला 1 से 2। देखो यहां पर अगर मैं टी स्क्वायर को कुछ मान लू, तो लेट कर लू कि टी क्यूब वाई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी टी 3 t² आ जाएगा। तो यहां से डी टी की वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर 3 t². ये क्लियर हो गया। पर क्योंकि हमने टी क्यूब को वाई माना है, तो ये लोअर और अपर लिमिट ये भी दोनों बदलेंगे। तो टी की वैल्यू अगर मैं 1 यहां पर पुट करता हूं, तो वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। टी की वैल्यू 2 पुट करता हूं यहां पर, तो वाई की वैल्यू 8 मिलेगी। तो इस तरीके से ये लिमिट यहां पर बदल जाती है। ये हो जाएगा 1 से 8, ऊपर टी स्क्वायर रहेगा, इसकी जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर, और डी टी की वैल्यू ये पुट करनी है। क्या पुट करनी है, डी वाई ओवर 3 t². तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसल। तो अब जो जो बचा वो मैं यहां लिखता हूं, है आई इक्वल टू, जरा इसको देखो, 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा टेन स्क्वायर टी, और लिमिट है 1 से 2 प्लस 1 से 8। आपके पास 1/3 बाहर है, और ये है वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। ये क्लियर हो गया होगा। तो आई इक्वल टू, पहले अपर फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1 आ गया, प्लस 1/3 टेन इनवर्स वाई आ जाएगा, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 8। तो ये तो हो गया टेन इनवर्स 2 माइनस, ये हो जाएगा π/4, और ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 8 माइनस टेन इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 माइनस π/4, 1/3 टेन इनवर्स 8, 1/3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/4। तो आंसर देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया टेन इनवर्स 2 प्लस 1/3 टेन इनवर्स 8। अब ये है π/4 और ये है -π/12, तो एलसीएम हमारे पास 12 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4π/12। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया टेन इनवर्स 2 प्लस 1/3 टेन इनवर्स 8 -π/3। ऊपर जाएं तो देखें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, π/3 लास्ट में -π/3, तो थर्ड ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।